हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर था को बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप हाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर के अंदर तो जहाँ साल की दूसरी लोक अदालत 13 महीने हुई है, बीका बारह में ही थाने धर्मराज जी जानकारी देवेगा। एडी जी ए धर्मराज जी अब थाने थोड़ी जानकारी देगा ठे के बीका मायने कौन कौन सा जहाँ लोग हैं जिसका शामिल हो उसके हैं केस वगैरह कुछ चाह रहे हैं, तो बांका बारह में ही थाने जानकारी देसी। जे एक वीडियो में एक पहली अपलोड करी हो पहली लोक अदालत हुई से पहली, तो सेम भी के हिसाब से ही आज जानकारी दे रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की ओर से नमस्कार, स्वागत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक लोकहित के मुद्दे के लिए आपने हमें ये इंटरव्यू लेकर ये अवसर दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। जैसा कि आपने बताया कि ये इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है, साल में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा होता है, तो ये इस वर्ष 2023 की सेकंड लोक अदालत है जो आगामी 13 मई 2023 को आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में एक ही दिन आयोजित होती है, उसी श्रृंखला में सीकर जिले में भी है। लोक अदालत के आयोजन की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऊपर होती है, जो पूरे सीकर जिले में जितने भी न्यायालय हैं बिल्कुल। उनमें अपन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेंगे। इसमें जो कोर्ट हैं, क्रिमिनल केस को सुनने वाली आपराधिक न्यायालय हैं, सिविल न्यायालय हैं, साथ ही साथ जो राजस्व न्यायालय हैं जहाँ राजस्व प्रकरणों की सुनवाई होती है, उनका भी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश और राजीनामे से पक्षकारों के मध्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही इसमें कोर्टों में लंबित मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के प्रकरण, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, वो मामले होते हैं जो पक्षकारों के मध्य विवाद तो पैदा हो गया लेकिन वो अभी मामले कोर्ट में या थानों पे नहीं आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारी ये राष्ट्रीय पॉलिसी है जिला विधिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कि जो अपराध या जो विषय जो पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन न्यायालय में थाने में नहीं आए, तो उनको न्यायालय और थाने में आने से पहले ही उनका निस्तारण निपटा कर दिया दिया जाता जाए। है। तो इसमें मुख्य तौर पे वो प्रकरण है जैसा कि मान लो किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है, या कोई बिजली का उपभोक्ता है, टेलीफोन का उपभोक्ता है, जल का उपभोक्ता है, अब उसको अपना उपभोग किए गए बिजली पानी और इसका बिल चुकाना है, या जिससे लोन लिया लोन चुकाना है, तो दोनों के बीच में किसी बात पर विवाद है। मान लो वो कहता है कि सर मेरी किस्त मैंने प्रॉपर दी फिर भी ब्याज ज़्यादा लग रहा है, या बिजली के उपभोक्ता को लगता है कि मैंने जितनी बिजली कंज्यूम नहीं की उससे ज़्यादा का बिल है, जैसे कि बिल्कुल टेलीफोन वाले को भी यही लगता है, तो वो सभी लोग हमारे यहाँ 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर के मुख्यालय पर और तालुका लेवल पर तालुका विधिक सेवा समिति के मुख्यालय पर, ताकि हम उस संबंधित पक्षकार को नोटिस दे के बुला लेते हैं। और फिर 13 मई को लोक अदालत के दिन उनकी एक अलग बेंच बनती है, वहाँ पे हमारे पैनल अधिवक्ता और हमारे एक जज साहब होते हैं जो बेंच में मेंबर और अध्यक्ष होते हैं, वो उन पक्षकारों के मध्य समझाइश करवाते हैं और अधिकतर मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निपट जाते हैं। बिल्कुल उससे उन पक्षकारों को दोनों को फायदा, जिन बैंक को जो पैसा वसूल करना है तो उनके पैसे की वसूली होती है, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, साथ ही जिस व्यक्ति को ऋण चुकाना था उसको बहुत अधिक बिल ब्याज देना पड़ता या समय लगता, तो उसको भी हम ब्याज में भी छूट मिल जाती है लोक अदालत में, और कई बार उसके मूलधन में भी छूट मिल जाती है, तो बिल्कुल उस व्यक्ति को भी फायदा होता है। और वो सबसे बड़ा फायदा देश के सिस्टम को ये होता है कि अगर वो भुगतान नहीं करता तो वो केस बाद में कोर्ट में आता, तो कोर्ट में केस की संख्या बढ़ती बिल्कुल और उससे हमारे देश का जो पेंडिंग केसों का आंकड़ा भी बढ़ता और पक्षकारों का समय और धन दोनों बर्बाद बर्बाद होते। होता, तो उसके माध्यम से वो प्रकरणों का निस्तारण कर सकते हैं। बिल्कुल लंबा टाइम तक चल सके भी जी उनका सर। केस। साथ ही जैसे फैमिली कोर्ट में जो मामले होते हैं, पारिवारिक मामले, पति पत्नी के आपसी मनमुटाव के मामले हैं, जाए वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 125 CRPC का मामला हो या घरेलू हिंसा अधिनियम का मामला हो, तो बिल्कुल सभी प्रकार के मामले जो राजीनामे योग्य है, चाहे वो सिविल प्रकरण आपराधिक प्रकरण, उन सबका इस लोक अदालत में निस्तारण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जो न्यायाधीश है वो
अपने अपने कोर्ट में उन प्रकरणों को चिन्हित कर रहे हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है, और पक्षकारों को सूचित कर रहे हैं, पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनके बीच समझाइश करवा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस हेतु प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर डोर स्टेप काउंसलिंग की भी व्यवस्था की है, ताकि वो पक्षकार वहाँ के वहीं आके आपस में बातचीत कर ले। और फैमिली कोर्ट में आपने देखा होगा सीकर जिले में पिछली हमारी 2.5 साल की लोक अदालत में जितने भी हुई तो बहुत अच्छे प्रकरण निपटे हैं, और जो परिवार टूट चुके थे लगभग, उनके छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ रहते थे, पिता अलग रहते थे, तो अधिकतर वो लोग यहाँ आए और उनका पुनः घर बस गया और वो राजी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो वो सब लोग जीवन इवन जो सिविल के मामले में मान लो कोई भाइयों में भी किसी बंटवारे का विवाद है, या कोई छोटे मोटे केस कई बार पड़ोसियों में आपसी नाली को लेके, पार्किंग को लेके, किसी भी बात पे जो छोटे मोटे केस हो जाते हैं गुस्से में आवेश में आकर वो थाने कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो वो लोग इस लोक अदालत का फायदा उठा सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए उनको क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं करना, जिसको ये पता लग जाए कि मेरा प्रकरण कोर्ट में है ही, उसको पता है और राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित कोर्ट को कह दे कि साहब मैं राजीनामा करना चाहता हूँ। अगर अधिवक्ता के माध्यम से ना कह पाए तो खुद भी कोर्ट में जाके कह सकता है कि साहब मैं प्रकरण में निस्तारण चाहता हूँ, और अगर वो कहीं नहीं जा सकता तो हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में भी आके बता सकता है, तो हम संबंधित कोर्ट को कह के उसके प्रकरण को चिन्हित करवाएंगे और पक्षकारों के बीच में आपसी सहमति से वो मामला निपटाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जब भी कोई प्रकरण निस्तारित होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो दोनों पार्टियों की सहमति से होता है, इसलिए उसके बाद में उस फैसले की कोई अपील नहीं होती, यानी कि वो मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाता है। रेगुलर जब कोर्ट का फैसला होता है तो एक निर्णय के विरुद्ध दूसरी पार्टी अपील करती है, फिर अपीलेट कोर्ट में जो निर्णय आता है उसके विरुद्ध दूसरी पार्टी अपील करती है, तो उसमें वो एक लंबी श्रृंखला है और बहुत लंबा समय लगता है, समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। और राष्ट्रीय लोक अदालत में जो सिविल मामलों का निपटारा होता है उसमें पक्षकारों को कोर्ट फीस भी लौटा दी जाती है। तो ये लोक अदालत का बहुत बड़ा फायदा है। आपके चैनल को देखने वाले लोगों से मेरा ये आग्रह है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारा केस कोर्ट में है या नहीं है, लेकिन जो लोग आपकी जानकारी में समाज में कि फला व्यक्ति का कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो आप अपने एक नागरिक का दायित्व निभाते हो, उनको इस बात के लिए सूचित करें कि आगामी 13 तारीख की जो राष्ट्रीय लोक अदालत में, उसके माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण करा सके। नहीं सर, दो पक्षों का मन मुटाव है, तब हम एक पक्ष वालों भी अगर आके अठे तक पहुंचा तो बंद समझाइश करवाने की कोशिश करी जाए। जी जी, अगर वो एक पक्ष भी हमारे को आके कह देगा तो कोर्ट की ड्यूटी है दूसरे पक्ष को भी नोटिस देके हम प्री काउंसलिंग के लिए बुला लेंगे, उनके अधिवक्ता को कह देंगे, दोनों पार्टी को कोर्ट बुला लेगी तारीख के पहले ही और उसमें समझाइश करवाएगी, कोर्ट भी काउंसलिंग कराएगी, उसके बावजूद वहां पे अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्सपर्ट एडवोकेट जो काउंसलर, हम उनसे भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो हो सकता है उनमें 2-3 बार मीटिंग होने पे उनमें आपसी जो छोटा मोटा मन मुटाव है, हो सकता है कोई अपना बड़ा दिल दिखा दे और कोई किसी को माफ कर दे और मामला निपट जाए। कई बार ऐसा भी होता है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में विशेषकर बच्चे जब पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, किसी बात पे उनमें एक उम्र का वो रहता है तो कुछ छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो जाता है और उनमें कोर्ट केस तक बात हो जाती है। अब आप सबको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में लगता है, कोई एग्जाम सिलेक्शन हो जाता है, पास कर लेता है, तो उसकी सिलेक्शन की पोस्टिंग होने के पहले उसका पुलिस से एक वेरिफिकेशन होता है। उस वेरिफिकेशन के अंतर्गत पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाती है कि जहां वो व्यक्ति रहा है वहां पे उसका कोई केस तो लंबित है कि नहीं। अब मान लो किसी की नौकरी लग गई तो उसका थाने में कोर्ट केस चल रहा है तो वो उसकी रिपोर्ट जाएगी और वो सर्विस में आने से वंचित हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी सूची दे रखी है कि कौन कौन से अपराधों में राजीनामा हो सकता है। जैसे गंभीर अपराध है, जैसे मर्डर केस है, रेप केस है, इनमें राजीनामा पक्षकारों की सहमति से नहीं होता है, लेकिन जो छोटे मारपीट के मामले हैं 323 341, उसमें दोनों पक्षों की सहमति से हो जाता है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी सर्विस लग गई और उसका केस चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अब क्या करूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वो जिस पार्टी से उनका विवाद था उससे संपर्क करे, उसको मना ले किसी भी बात पे आपसी सहमत जाए। सर अगर दूसरा पक्ष तैयार हो जाता है तो कोर्ट में आके राजीनामा
जमा कर लेंगे और उसका मामला निपट जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस भी लिख के दे देगी, इनका केस तो था लेकिन उसमें राजीनामा हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो नौकरी से वंचित नहीं होगा। और अगर मामला कोर्ट में भी चला गया तो कोर्ट में भी वो राजीनामा हो सकता है और कोर्ट भी उस पर एक प्रोविजन का हवाला देते हुए लिख सकती है ताकि ऐसा व्यक्ति नौकरी पाने से वंचित ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी लोक अदालत के बारे कमांड थाने धर्मराज जी पूरी जानकारी दी है, अगर फिर भी थाने समझ में नहीं आई है तो वो कॉन्टेक्ट नंबर भी हाँ तो अपन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो ऑफिस है उससे संपर्क कर सकते हैं और इसके जो हमारे टोल फ्री नंबर है मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप अपने चैनल के माध्यम से वो लोगों को बता सकते हैं। बिल्कुल। तो जो नंबर दिया जाए वहां पर थे बात कर सको हो, ज्यादा जानकारी ले सको हो, लेकिन थकर नहीं है तो आस पड़ोस में कोई कभी यहाँ की है तो बन थे सूचित करो कि राजीनामा से निपटाया जा रहा है, तो थे भी विभाग लो और राजीनामा करो। राम राम साहब।